मेरा यूट्यूब चैनल एग्री फार्मिंग फार्मिंग में आपका स्वागत है। ये हमारे फार्मर हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, मटर के फार्मर हैं और इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, मटर की खेती के बारे में बताना चाहेंगे। तो ये बताएंगे आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, तो आप मटर की खेती, आप मटर की खेती कितनी करते हैं? आप लमसम 80 बीघे हैं। 80 बीघे मटर है आपके पास? तो आप हैं, आपके पापा हैं, सब लोग मिलकर करते हैं? चार भाई हैं। आप सब कुछ आप ही देखते हैं? सब बड़े भैया देखते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो मटर में, जो हमारे किसान भाई मटर बोते हैं, तो जो एक बीघे में कितनी मटर पड़ जाती है? 15 किलो बहते हैं। या ज़्यादा गर्मी होती है, अब ज़्यादा ठंड हो जाएगी 10 किलो भी बारह किलो इधर देखिए। तो अच्छा, तो 10 किलो से 15 बीघे तक भी 15 किलो तक बोई जाती है एक बीघे में। तो ये मटर में लगभग, मतलब कि मटर में क्या क्या पड़ता है जो हमारी मटर अच्छी पैदावार हो जाए? बीज डालने से पहले तो डीएपी का डालते हैं और जैमिन डालते हैं। तो डीएपी एक बीघे में कितनी पड़ जाती है? ये बीघे में क्या, हम तो 10 किलो 12-15-20 किलो बह देते हैं, बहुत ही डालते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि जो मटर में, मटर को जो डीएपी आपने डाल दी, इसके बाद आप पानी किस तरीके विधि से देते हैं? पानी किस तरह? हम पाइप लाते हैं 2 इंची 2.5 इंची 1.5 इंची। मतलब फुब्बारा विधि से देते हैं? से डालते हैं। अच्छा, फुब्बारा विधि से देते हो। ऐसे अगर एक ऐसे हजर्रा पानी चला दिया जाए तो नुकसान हो जाता है मटर में क्या? मटर सूख जाती है। मटर को पानी को बहुत कम पानी चाहिए। तो मटर के लिए बहुत कम पानी चाहिए। तो ये भाई बता रहे हैं कि मटर के लिए बहुत कम पानी चाहिए, इसलिए ये फुब्बारा विधि से पानी देते हैं। तो इन्हें एक फाउंडेशन बना रखा है, तो पानी को इरीगेशन द्वारा दे देते हैं पानी को। तो ये बता रहे हैं कि पानी कम देते हैं और कम पानी ही लगता है मटर में। तो इसके बाद और आप क्या क्या यूज़ करते हो जो मतलब फली अच्छी आए? एक तो 1919 डालते हैं। अच्छा, NPK 1919 की? NPK नहीं, वो फिलहाल वो सुपर नमक जैसी आती है 1919, 18-18 भी आती है, वो डालते हैं। लाग बढ़ाती है, फली भी बढ़ाती है। सूढ़ी की दवाई इस्प्रे करते हैं। अच्छा, सूढ़ी की स्प्रे करते हैं? सूढ़ी लगती है इसमें? हाँ, अंदर फली में बैठ जाती है। अच्छा, सूढ़ी में फली में बैठ जाती है तो वो मतलब दाना को खा लेती है? दाना मटर खा लेती है। अच्छा, एक चीज़ आपने ये बताया, मैंने देखा था खेतों में जो मटर के पत्ते में सूढ़ी लगती, पत्ता खाती है, वो छोटी वाली सूढ़ी होती है, वो इसी टाइम आने का टाइम होता है सूढ़ी का? इसी टाइम है। तो ठीक है, तो सूढ़ी अगर लगती है तो सूढ़ी के लिए तो आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करते होंगे, जैसे कि अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। कोराजिन ज़्यादा यूज़ करते हैं? कोराजिन ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक दवा और भी आती है, इंडेक्सा कार्ब आती है दवाई सूढ़ी के लिए, बहुत अच्छी बढ़िया है, 30 ml पर टंकी के हिसाब से पड़ती है इंडेक्सा कार्ब। ठीक है, बढ़िया टेक्निकल है और इसका नाम किंग कार्ब के नाम से दवाई आती है और ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी हम एक चीज़ आपको आप बताएंगे कि जैसे मटर की, जैसे आपकी मटर चल रही है बढ़िया करके, तो इसमें आप एक फिजिको आता है, न्यूट्रिएंट लिस्ट पे आता है, उसे आप एक टॉनिक कह सकते हो। तो फिजिको है वो ऑल कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, तो पौधों को प्रोवाइड कराता है, पौधा उससे अच्छी ब्रांचेस लेता है, भोजन अच्छा लेता है, फल फली अच्छी भरपूर लेता है, पैदावार में बढ़ती है। तो किसान आप बताइएगा, तो इतना ही कुछ मटर में होता है और कुछ इतना ही है? तो ये मटर कितने लंबे समय तक की फसल होती है? इतने 60 दिन के अंदर टूटने लगती है। 60 दिन के अंदर इसका मटर आना स्टार्ट हो जाता है? टूटने लगती है। टूटने लगती है मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो तोड़ इसमें कितनी हो जाती है? इसमें 2 हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो तो एक ही होता है, वरना 3 तोड़ हो जाते हैं। इसमें पैदावार ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी, मेहनत है फिलहाल, लागत कम प्रॉफिट ज़्यादा है। तो हमारे किसान भाइयों, तो आप कौन से गाँव के रहने वाले हैं? सिर्रा, किशोर्रा गाँव। तो ये किशोर्रा के अर्जुन सिंह हैं भाई और ये मटर के बहुत बड़े फार्मर, 80 बीघा मटर करते हैं और ये मिर्च के भी फार्मर हैं और बहुत मेहनती फार्मर हैं। तो हमने आप लोगों को इन्हें मटर के बारे में आपको जानकारी बताई। नमस्कार।